अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत होंगे, बहुत खुश होंगे। और चलो जी फ्रेंड्स, तो हम अभी जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। वीडियो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ले लिए, शॉर्ट्स ज़्यादा बना लिए, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। और आज का ब्लॉग जो है, ज़्यादातर मुझे वीडियो शूट करनी थी इस ड्रेस का, ठीक है। और ये ड्रेस जो था आज का हमारा, हमें फ़र्स्ट डे पहनना था, बट हमने पहना है इसको सेकेंड डे, क्योंकि फ़र्स्ट डे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे पता था मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने घर बैठ के आज बहुत अच्छा शूट कर लिया है। तो वो जो है मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, चले जाते हैं। मैं आपको अपना फुल ड्रेस दिखाती हूँ यहाँ पर। और ये रहा जी आज का कंप्लीट ड्रेस, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये। और जी तो हम आए हुए थे स्पाइस पुलाव हुसैनाबाद पे। इनके पास मोमोज की बहुत सारी रेंज थी, और हमने जो है मिक्स प्लेटर मंगवाया था, जिसमें सारे तरीके के फ्लेवर्स ऐड हो चुके थे, और सारे फ्लेवर्स, सब फ्लेवर्स अपनी जगह अच्छे थे। अगर आप मोमोज लवर हैं तो मस्ट विज़िट। और इनकी जो है फिलिंग भी बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट उसके बाद जो है, हमने बहुत कोशिश की कि फॉक से हमारे हाथ में आ जाए, बट ये फॉक का इस्तेमाल हमने नहीं किया, तो हमने जो है हाथों का इस्तेमाल ही कर लिया। और इसको जो है हम खाने लगे। और इसके बाद जो है KFC से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये बिल्कुल इनका न्यूली लॉन्च्ड है। अच्छा, हमने वन मोर प्लेट ऑर्डर किया ना, और एक पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर दे दिया। बेबी बेबी, दे 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 दे, हाई फाई करो, हाई फाई करो। और जी तो हमने इनसे KFC से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो इनके जो पिज़्ज़ा के जो प्राइस थे 300, बट हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने पर्सनली मुझे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब इसके बाद जो है हम आए थे सॉफ्ट सोए आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, मुझे जो है ज़्यादातर फ्लेवर्स पसंद आते हैं, या स्ट्रॉबेरी हो, मैंगो, मुझे डिफरेंट तरीके के फ़्लेवर्स ज़्यादा पसंद है। ये फ़्लेवर्स भी पसंद है, बट इनके पास जो है फ़्लेवर्स की ज़्यादा रेंज नहीं होती। और ये वाहिद है जो इसे आइसक्रीम नहीं पसंद। आज नेक्स्ट डे है, और आज डे 3 है, यानी कि आज तीसरी ईद है, ठीक। तो उस पर जो है अब जो है मैं रेडी होंगी, ठीक है। मेरा ईद का जो डे 3 का ड्रेस भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने खाली से लिया था वो अब मैं कंप्लीट आपको ड्रेस। अभी जो है मैं बर्गर्स बना रही हूँ, ठीक है। चिकन पैटी जो है हमने मंगवा ली थी बेक कर की, यार इनकी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अमेजिंग है। मैंने जस्ट ट्रायल के लिए थोड़ी थोड़ी मंगवाई थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ज़्यादा चीज़ें मंगवा लूँ। और मैंने इनके ब्रोस्ट भी देखे, बट मुझे ब्रोस्ट नहीं मिले थे। और यहाँ पर जो है मैं बर्गर पैटी फ्राई कर रही हूँ। 4 बर्गर पैटी थी छोटे वाले पैक में, तो मैंने सोचा 4 ही बन है, तो इन चारों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। और चलिए जी फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। मीरा भी जो है रेडी हो रही है यहाँ पर। रस्मा जो है एनुअल आप लिख रही हैं सबकी ईदी के। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनानी नहीं थी इसने, हाँ। ये राजी अब्दुल हादी का ड्रेस, और आज हमें मिलने वाली है फाइनल। चले जी, मीरा दीदी, और हमें भी मिलने वाली है। नहीं दीदी, आमा खालो को नहीं दो, नानी से ईदी मांगो, नानी से ईदी लो। मम्मी की मामू को बोलो ईदी दो, जल्दी ईदी ले लो, सबकी ईदी ले लो। ये मेरे बेटे के। ए, क्या दे दे। बाबा ये लो, ईदी ले लो। लो क्या हो गया बेटा, लो मेरा बेटा, लो मेरे को दो, नानी को दो। भाई का को तो बेटा देना बहनों को। और चलो जी, ये मेरी ईदी आ गई। और
सबको मिल गई थी। चलो मीरा की कितनी है? कवर खत्म हो चुके थे दीदी के हमारे पास। चले जी तो फाइनल आज थर्ड ईद को हम सबको ईदी मिल चुकी है। उस्मान फाइनली आ गए हैं ईद मिलने के लिए। दो दिन से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो नहीं आ रहे थे, आज आ गए हैं। हाँ उस्मान, उस्मान ईद मुबारक बोल दो। उस्मान मीरब के लिए लाए हैं जिंगर। जी फ्रेंड्स, तो हमारे बर्गर्स बने नहीं थे, हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। तो बन की जो पैटी, बर्गर की जो पैटी थी, हमने तैयार करके रख दी थी। बाहर से जो बंस मंगवा लिए हैं, ठीक है, उसके अंदर हम चीज़ का सारी चीज़ें। पहले तो हम सबसे पहले सॉस बनाते हैं और सॉस बहुत ईजी है। मैं कैसे बनाने वाली वो मैं अब बता दूंगा। चलिए जी, मेरे जो है मुझे चार बंस तैयार करने हैं बर्गर, तो इसके अंदर जो है मैं थोड़ी मायोनीज लूं। मेरे पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है, टोमेटो केचप है, तो मैं टोमेटो केचप यूज कर रही हूं। गिरा रही हो ये जो है सॉस मैंने दराज से ऑर्डर की थी, ठीक है। मैं पेरी पेरी सॉस ऐड कर रही हूँ, और इसे पेरी पेरी सॉस ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पाइसी होती है ना इसलिए, बस बस इतनी से मैं ऐड करूँगी। लेकिन एक बारबेक्यू सॉस भी आती है, आप वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आप चाहो तो उसमें ना मतलब केचप और की पेरी पेरी को स्किप करके वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो है हमारी बर्गर सॉस रेडी है। अब जो है हम इसको बर्गर के अंदर लगाते हैं, करके सब में सॉस लगाते जाएंगे। सॉस लगाने के बाद जो है मैंने चिकन पैटी ऐड की। मेरे पास आइसबर्ग अवेलेबल नहीं था तो मैंने आइसबर्ग ऐड नहीं किया। अच्छा, अगर आपने ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने चीज़ स्लाइसिस ऐड किए और मैंने कर दिया इसको पैक। बस इतना सा, ये सिंपल सा हमारा बर्गर रेडी था, और बाकी बहुत मज़े का बना था। अच्छा, ये चीज़ को जो है मैंने मेल्ट करने के लिए, एक मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में रख दिया था ताकि चीज़ जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीज़ जो है मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाली ऐड की थी, आपको वीडियो में थोड़ा सा लाइट कलर नज़र आ रहा होगा, बट ये ऑरेंज चीज़ थी, और इसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया ताकि एक मिनट के लिए मैं इसको रख दूँ और चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए, बर्गर भी जो है हमारे थोड़े से गर्म हो जाए। और यार यहाँ पे ये बर्गर्स हमारे रेडी थे, बहुत मज़े के बने थे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इजी है और ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, बस चिकन पैटी लेनी है और आपके बच्चे खुश। ये डैडी किसका है? मैम अरे आओ आओ, छुप जाओ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम सब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। सारे हमारा प्लान बना है रात के 2:30 बजे, तो हम जा रहे हैं मेहरान और वहाँ पे हम खाएंगे आइसक्रीम। ठीक है शहजाद, वैसे हमें लेकर कहीं जा नहीं रहे थे तो हमने इसको कहा कि चलो भाई तुम अकेले घर पे बैठ के क्या करोगे, जिद की हमारी, तो हम इसको भी लेके साथ जा रहे हैं। अब घर को जो हम लॉक वगैरह कर दें, ठीक है, और फिर हम निकलते हैं आइसक्रीम खाने की तरफ, और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और आज ईद डे 3 का मुझे ब्लॉग भी एंड करना है, वो आकर मैं एंड करूँगी। तो पहले चले जी फ्रेंड्स, नमाज पढ़ी थी मैंने आके, लेकिन नमाज पढ़ी, अब चिप्स खाए तो बैठ के मैं, मुझे एक ब्लॉग एडिट करना, उस ब्लॉग एडिट करो, कोल्ड ड्रिंक निकाल लो, ठीक है। एक पेप्सी बची भी रखी हुई है तो उसको निकाल लेते हैं, और अभी जो है ब्लॉग एंड करते हैं।
और अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर हम डेली रूटीन ब्लॉग में। अपना बहुत से ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।